मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन की ओर से 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक रांची के मोराबादी मैदान में जेसेवा दीपावली मेले का आयोजन करेगी। 5 दिनों के इस मेले का आयोजन महिला उद्यमिता और ग्रामीण कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस मेले में देश भर के उद्यमी भाग लेंगे। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रांची के मोराबादी मैदान में जेसेवा दिवाली मेले का आयोजन करने जा रही है। जेसेवा की ओर से दिवाली मेले को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमिता और ग्रामीण कारीगरी को बढ़ावा देना है। इस मेले में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से देश भर के उद्यमी भाग लेंगे। इस मेले में स्वदेशी कपड़ों, जनजातीय भोजन और स्वदेशी कला संबंधित स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। झारखंड और देश के कोने कोने में प्रचलित लोक कलाओं से संबंधित उत्पाद, देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित परिधान, रेशम, सिल्क और विभिन्न प्रकार के संग्रह उपलब्ध रहेंगे। इस बार मेले में झारखंड की प्राचीन लोक कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस मेले में बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी एडवेंचर गेम्स आकर्षण के केंद्र रहेंगे, जिसके तहत कई साहसिक खेल भी आयोजित कराए जाएंगे। मेले में स्टॉलों और मनोरंजन क्षेत्र के अलावा पूरे भारत के विभिन्न कलाकारों की ओर से प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूमर और अन्य लोक नृत्य भी आयोजित किए जाएंगे। आगंतुकों की सुविधा के लिए मेले परिसर में मोबाइल एटीएम की भी व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष मेले में लगभग 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मेले में हेल्थ चेकअप कैंप, आधार पंजीकरण केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से संबंधित स्टॉल भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। का जो दिवाली मेला है वो 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर को मोराबादी ग्राउंड में लगने जा रहा है और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10:30 बजे से रात का 8 बजे तक रहेगा। इस पर हमारा 200 से ज़्यादा स्टॉल्स रहेंगे और लोग हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, साउथ से भी अलग अलग चीज़ें उन लोग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई को लेके और उनको कोविड वैक्सीनेशन का एक सेंटर बनाया है जो नहीं लिए होंगे और उन्हें बच्चों के लिए वहाँ पे खेलने के लिए भी कुछ चीज़ रखाए गए हैं मनोरंजन के लिए और हर शाम में कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे जैसे छावर डांस वगैरह का आयोजन कराया गया है। झारखंड की संस्कृति दिखेगी और इसके अलावा वहाँ पे फूड स्टॉल्स भी बहुत सारे होंगे। नया तो ये है कि भाई कि वैक्सीन का हम लोग ख्याल रख रहे हैं, पॉलीथीन बैग्स को नो कह रहे हैं, सिक्योरिटी और सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। और जो टेक्सटाइल जो यहाँ के झारखंड का है, हैंडलूम्स जैसे पड़िया है, फूटा है, वीरू है, ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा जो पहले नहीं था, तो जो इस बार ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको। स्टॉल के चार्जेस है वो 20,000 एक स्टॉल का है, वो हमारे स्टेट के हो या बाहर के समान है, सबके लिए एक बराबर है। नहीं, ठेला पुचका वाले नहीं, जो ग्रामीण महिलाएं जो काम करती हैं उनके लिए एसएचजी ग्रुप्स जो हैं जो आते हैं 24 डिस्ट्रिक्ट से उनके लिए है। देखिए, ये हमारा जो झारखंड आईएएस वाइफ एसोसिएशन है ये 2003 से स्टार्ट किया है दिवाली मेला करना। तो आप लोग सब जानते ही हैं कि जैसे जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, हर एक
सबके मन में एक उत्साह होता है हर कुछ नया करने के लिए, साथ मिलके आने के लिए। तो हमारा पर्पस यही है कि सारी महिलाएं, स्पेशली हम सारे लोग वाइफ एसोसिएशन हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी और जो महिलाएं हैं जो जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उनको एक हम लोग मीडियम देते हैं, एक माध्यम देते हैं, ताकि हमारे दिवाली मेले में वो आएँ और अपना हुनर और जो भी लोग चाहते हैं कि बिज़नेस बढ़ाएं। आप लोग जानते हैं कोविड काल से कितना सब लोग परेशान थे, हर बिज़नेस बहुत लोग के ख़राब हो गए, ठप हो गए, तो वो लोग के एक उम्मीद है हम लोग के एसोसिएशन से कि हम लोग उनको एक जगह देते हैं, एक नाम देते हैं। और इस हर साल जो दिवाली मेला होता है उनसे उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है। तो हमारा मकसद यही है कि उन लेडीज़ों को जो कि लोग बहुत लोग जानते नहीं हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड, केरला, पंजाब से, तो हर एक स्टेट हमारे झारखंड स्टेट में आए। ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ हम लोग स्टेट अपना झारखंड स्टेट को अपना सीमित रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर एक स्टेट के लोग, हर एक स्टेट से जुड़ी जितनी भी महिलाएं सब आके यहाँ अपना मतलब जो भी उत्पाद करते हैं, बनाते हैं, सब चीज़ को दिखाएं, डिस्प्ले करें और उनकी एक नई पहचान बने। तो हम लोग जस्ट एक मीडियम है, माध्यम है उनके लिए, और हम लोग को भी खुशी मिलती है कि एक महिला महिला के ही काम आ रही है। जेसोवा हाल ही में 5 छात्रों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बीएड की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलवाया है और उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च भी वहन कर रही है। जेसोवा 5 गरीब बच्चों को भी गोद लिया है जिनके पढ़ाई, कपड़े और अन्य खर्च वहन किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 3 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उन्हें मॉडल नर्सरी स्कूल में भी परिणत किया गया है, जो सेवा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते रही है। सामाजिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए जेसोवा की ओर से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भरपूर लोक समर्थन मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।